नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के खास खबर पर। अपराधियों ने संकोशाइनगंज बिहार में सोने का चेन छीना। अभी हम झाजी के घर में अखंड ज्योति पत्रिका देने आते हैं जी। वहीं देने आए तो उनका कॉल बेल बजा रहे थे। कॉल बेल बजाते समय ही दो मोटरसाइकिल से लड़का आया, क्रॉस किया और मेरे पीछे से चैन को खींचा। फिर हम अपने चैन को पकड़े तो उसका गाड़ी थोड़ा सा लड़खड़ाया। फिर आधा चैन मेरे हाथ में रह गया, आधा वो नीचे चले गया। विकास जी, ये आम जनमानस जो रोज की परेशानी से, क्या आप इसके लिए प्रशासन से मांग? ये जमशेदपुर और खासकर मांगो के लिए आम दिनचर्या बन गई है। हर दूसरे दिन चेन की छिनतई हो रही है। अपराधी गिरफ्त के बाहर है, पुलिस क्या कर रही है मैं समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से लोग भय के माहौल में जी रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। महिला ने प्रतिशोध किया, आधा चेन के हाथ में रह गया। हो सकता था महिला ज़्यादा प्रतिशोध करती तो विपेन से उसके ऊपर हमला भी किया जा सकता था। और आज से ठीक 10 दिन पहले ऐसी घटना सुभाष कॉलोनी रोड नंबर 1 में घटी। उसके बाद 5 तारीख को एक घटना, 6 तारीख को एक घटना सर्वोदय पथ में घटी, आज कंचन बिहार में घटी। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और मैं आपके माध्यम से, इसके साथ ही मैं यहां के डीजीपी को भी ये जो वीडियो बन रहा है मैं दूंगा कि देखिए हम लोग किस हाल में यहां के महिलाएं जी रही है, क्या स्थिति हो गई है शहर की। मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।